नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, वहाँ पे आप लोग जाने होंगे कि जब राम और रावण का महायुद्ध शुरू होने वाला था उस समय एक बहुत बड़ा वाक युद्ध हुआ, यानी कि दोनों में भाषणबाजी हुआ, दोनों एक दूसरे पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। और बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले रावण ने बहुत डिंगे हाँके, बोला कि हम त्रिलोक विजेता है, हम ये है, हम वो है, हम देवताओं को गुलाम बनाए हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाता है, हम सबको मार देते हैं, राम अभी मौका है, पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे, वनवासी हो हम कहाँ लंकापति है। दोस्तों तरह तरह की बातें कहा, राम भगवान को हल्के में ले रहा था, बोला था कि तुम एक तुच्छ मानव हो, हम तो रावण हैं। दोस्तों उस समय भगवान राम ने केवल एक ही बात बोला, बोला हे घमंडी रावण, हे पापी अधर्मी रावण, तुमने आज तक केवल दूसरे को धमकाया है, केवल अपने भाषणबाजी से लोगों को धमकाया है, तुमने आज तक केवल डेंगे हाका है, लेकिन तुम्हारा सामना आज राम से है, और राम न तो कभी गप मारता है और न ही कभी डेंगे हाकता है, राम का जो भी कुछ होता है उसका धनुष बोलता है, ठीक है, राम धनुष से ही काम चलाता है। दुनिया में तीन तरह के योद्धा होते, एक होता है केवल बोलता ही बोलता है, दूसरा होता है बोलता भी है और करता भी है, और राम वो योद्धा है जो केवल करता है, बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है। और तुम युद्ध शुरू करो, ठीक है, तुम डिंग बहुत सक ले युद्ध शुरू करो। और दोस्तों उस युद्ध में रावण का कहानी खत्म हो गया, सिंपल सी बात है, गप मारते मारते रावण की कहानी खत्म हो गया था, और सच्चाई सब जान गया था कि राम भगवान विष्णु का अवतार था, दोस्तों सब जान गए थे, ठीक है। आप बोलेंगे इतना कहानी हम क्यों बताए, सिंपल सी बात है, आज सेम टू सेम हाल आज चाइना खो गया। दोस्तों चाइना भी आज पर दुनिया को डिंग मार के भरगा रहा, दुनिया को धमका रहा है, बोल रहा है कि हम ये है वो है, हमारे पास ऐसा है वैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा सेना खतरनाक है, ये मिसाइल है वो मिसाइल है। दोस्तों तरह तरह के डिंगेबाजी हाँक रहा था, और बड़ी बात तो यह है कि उसे आज बच्चे बच्चे हल्के में ले रहा है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि छोटा मोटा देश है ना, वो भी चीन को आज हल्के में ले रहा है, और इसीलिए चीन अब गाली गलौज उतर गया है, यानी कि चीन अब गाली दे रहा है। दोस्तों अब चीन का जो बाप नहीं मानेगा ना, चीन उसे कुत्ता कमीना हरामी बोल रहा है, सिंपल सी बात है, चीन का हालत वो पागल जैसा हो गया है, जो उसे समझ नहीं आ रहा कि अब हम करे तो करे क्या। और बड़ी बात तो यह है कि चीन के इस पागलपंती से पूरे दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया बोल रहा है कि जब से लद्दाख में चीन ने मार खाया है, जब से चीन का कुटाई हुआ है, चीन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, पूरी तरह से बर्बादी के कारण पहुंच गया है, उसका मानसिक हालात खराब हो गया है, पाकिस्तान से भी खराब होकर चीन आज कर रहा है। दोस्तों सब बोल रहा है कि पाकिस्तान तो मिला जुला के ठीक ठाक है, अभी भी सोशल से कुत्ता बहुत बोल रहा है, केवल भीख मांग के छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन दोस्तों चाइना यहाँ पे अब गाली गलौज कर रहा है, सब बोल रहा है कि चीन का आखिरकार ये हो क्या गया है, आखिरकार पागल हाथी कैसे बन गया है, जो मना वही कर रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, और बड़ी बात यह है कि चीन जितना गलत हरकत करेगा ना, चीन जितना खराब हरकत करेगा ना, भारत के लिए उतना ही फायदा होगा, भारत उतना ही विश्व गुरु बनता जाएगा, सुपर पावर बनता जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, चीन ने जो पहला गलत दिया है ना, वह है कनाडा को दिया। दोस्तों कनाडा में आज जो आम लोग है, आम बच्चे है, बुजुर्ग है, सब खासतौर पर जस्टिन ट्रूडो को घेर रहा है, कनाडा प्रधानमंत्री को बोल रहा है कि तुम महामूर्ख हो, तुम गधे हो, चीन तुम्हें कुत्ते बोल रहा है, कमीने बोल रहा है, और तुम भारत से पंगा ले रहे हो। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आखिरकार भारत का किस प्रकार से भयंकर जीत हुआ है, केवल चीन और कनाडा के वाक युद्ध में, ठीक है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं, हाल ही में कनाडा ने चाइना में जो उइगर मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, चीन में जो हांगकांग में हो रहा है, चीन जो तिब्बत कर रहा है, चीन जो इनर मंगोलिया कर रहा है, चाइना जो अपने पड़ोसी को सता रहा है, कनाडा ने ओपनली खासतौर पे मोर्चा खोल दिया था, बोल दिया था कि चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना पागल हो जाएगा, नहीं तो सवाल जाए आने वाले समय में चीन को ठुकाई शुरू कर देंगे। दोस्तों खासतौर पे कनाडा ने ओपनली बोला था। इन सबके अलावा कनाडा फाइव आई का मेंबर है, दोस्तों फाइव आई का भी मेंबर है। इन सबके अलावा कनाडा नेटो का भी मेंबर, सिंपल सी बात है। तो कनाडा का इस बयान से चीन हरका हुआ है, चीन बहुत दिनों से दोस्तों कनाडा को सह रहा था, लेकिन अब की बार कनाडा ने बहुत सारा अनगुलन दोस्तों बात बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, और चीन ओपनली मैदान में आया, बोला कि कनाडा के पीएम कुत्ते जैसा हरकत कर रहा है, कनाडा का पीएम अमेरिका कुत्ता बन गया है, कुत्ता की तरह पीछे पीछे घूमता है, अमेरिका जो बोलता है वही करता है, अमेरिका रोटी दे दे वो कुत्ते के पीले पीछे पीछे दौड़ता है। दोस्तों कनाडा पे चीन ने बहुत कुछ बोला, यानी कि बड़ी बात तो यह है कि कुत्ता शब्द से यूज किया है, पूरी दुनिया हैरान है कि आखिरकार चाइना का जो डिप्लोमेट है ली यांग, उन्होंने इतना बड़ा बयान कैसे दिया। दोस्तों ये जो ली यांग है ना, खासतौर पर शी जिनपिंग खासतौर पर दोस्तों ऐसा अधिकारी को पला हुआ है, सिंपल सी बात है, ये ली यांग शी जिनपिंग का बहुत बड़ा चमचा है, ठीक है, और वही ये बात बोला है। तो सिंपल बात है, ओपनली कम्युनिस्ट सरकार ये बात बोल रहा है, और ली यांग ने कहा है कि बच्चू, यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोला कि बच्चू तुमने अपने जीवन काल में, यानी कि जब से तू प्रधानमंत्री बने हो, तब से तुमने केवल एक ही काम किया हुआ है, चाइना और
कनाडा का जो मित्रता था उसे तोड़ देना, यानी कि तुम पूरी तरह से तोड़ दिए हो और तुम अपने काल में कनाडा को अमेरिका का कुत्ता ऐसा हल कर दिए हो, पीछे पीछे घूम रहा है अमेरिका कुत्ते बन के घूम रहे हो, ये तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम ये क्या कर बैठे, हम तो तुम्हारा मित्र थे दोस्तों। कनाडा को खासतौर पर बहुत कुछ लियांग ने बोला है और बड़ी बात तो यह पूरी दुनिया में हरकंप मचा दिया है। पूरी दुनिया बोला है कि चीन का हाल आज पूरी तरह से रावण जैसा हो गया है, जो मन हो बोल रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन का अंत समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, खासतौर पे अपर लीजिए, यानी कि जो जितना गुस्सा करे समझो उसका बुद्धि उतना भ्रष्ट, यानी कि जो जितना गुस्सा करे उसका बुद्धि उतना भ्रष्ट होगा, और गुस्से में आदमी बुद्धि पूरा खो देता है और फिर उसका विनाश हो जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। चाणक्य ने भी कहा था कि अगर इंसान का कमजोरी पकड़ना है तो उससे गुस्सा दिलाओ, जितना गुस्सा हो जाए समझो वो आदमी का कहानी वैसे ही खत्म हो गया, वो ऐसे ही पतन हो गया। तो चाइना आज पतन हो गया दोस्तों, इसीलिए वो कुत्ता कमीना पे उतर चुका है। अब चलिए मैं बताता हूँ आखिरकार कनाडा के और चीन के झगड़ा में भारत को क्या फायदा हुआ है। दोस्तों कनाडा के जो आम लोग हैं ना, खासतौर पे अब जस्टिन ट्रूडो घेर रहा है, बोला है कि तुम खासतौर भारत के अंदरूनी मुद्दा में दखल देना बंद करो। बड़ी बात तो यह है कि भारत आज अमेरिका का सहयोगी है, फ्रांस का मित्र है, अमेरिका का मित्र है, और जहां ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका भारत के सामने में घुटने टेक रहा है, दोस्ती कर रहा है, और तुम महामूर्ख हो क्या दोस्तों। ये कनाडा के आम लोग बोल रहा है कि जस्टिन ट्रूडो महामूर्ख है, केवल वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स कर रहा, राजनीति कर रहा है, और कनाडा को दुबाने पर तुला हुआ है, कनाडा को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वर्तमान में क्वाड जैसा देश बना हुआ है, सब भारत से हाथ मिला रहा है, पूरा यूरोप अमेरिका सब आज भारत के लिए दोस्ती के लिए बेकरार है। और जानबूझ के जस्टिन ट्रूडो कई बार गलत बयान देता है, खास तौर पर CA मुद्दा हो या फिर इन सब के अलावा किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर वो उंगली करता है और अपना खुद से ही बदनामी करता है। दोस्तों वहाँ के आम लोग बोल रहा है कि कनाडा PM से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कृपया करके आप भारत के अंदरूनी मुद्दा में दखल ना दें और भारत से दोस्ती बढ़ाइए ताकि आने वाले समय में अगर आप पे चाइना कुछ धावा बोले तो भारत आपको बचाए, क्योंकि चाइना ने आपको का दिखाई दिया, आपको कुत्ता जैसा हाल बता दिया है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक ही मौका है, वो भारत से मित्रता करना है, वो कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारा हाल सचमुच में कुत्ता जैसा हो जाएगा। ना तो हम चीन का मित्र रह पाएंगे, ना भारत का मित्र रह पाएंगे, और अमेरिका तो हमें अपना कुत्ता बना लेगा। इसीलिए एक ही ऑप्शन है, वो भारत से दोस्ती करना। दोस्तों वहाँ के आम लोग समझदार है, ठीक है, लेकिन कनाडा का PM है ना, वो बिल्कुल दोस्तों गलत काम करता है। सिंपल सी बात है, वो जो करता है ना, वो हमेशा एंटी इंडिया काम करता है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उसका फल उसे हमेशा मिलता भी है, भारत सरकार कई बार उससे औकात दिखा चुका है, उसको हाथ लेने के लिए बोल भी चुका है, और उससे बोल भी चुका है कि आगे गलती करोगे तो तुम्हें हम ठोका भी कर देंगे। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि कनाडा का आज कोई भी नहीं है, ना तो चीन है, ना भारत है, और ना ही रूस है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चाइना जो हरकत किया है ना, इस पे दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि चीन आज फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि जिस प्रकार से फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, आसियान कंट्री खासतौर पे जिस प्रकार से सक्रिय हुआ है, और जिस प्रकार से अब सब चीन को देखना शुरू कर दिया है, सब में कॉन्फिडेंस मिल गया है। जब से भारत और चीन में हिंसक झड़प हुआ, चीन का 50 सैनिक मारा गया और चीन पीछे हटा है, तब से छोटे मोटे देश में कॉन्फिडेंस हाई हो गया है।